राजस्थान में अब चुनाव सिर पर है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच टिकट फार्मूले को लेकर कवायद तेज होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस इस बार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे सचिन पायलट का पक्ष मजबूत होगा। दूसरी ओर यह भी चर्चा हो रही है कि राजस्थान में नए टिकट फार्मूले के साथ अशोक गहलोत को घेरने के लिए सचिन पायलट ने भी एक और दांव खेला है, जो उन्हें आगामी चुनाव में मजबूती देगा। राजस्थान चुनाव 2023 से पहले ही सचिन पायलट गुट के विधायकों ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसमें कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। सचिन गुट की कोशिश है कि अशोक गहलोत युवाओं पर दांव खेले, इससे अशोक गहलोत समर्थक बुजुर्ग नेताओं का पत्ता कट सकता है। राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। श्री माधोपुर से कांग्रेस के विधायक दीपेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए यह घोषणा की है। इसी तरह कांग्रेस के सबसे सीनियर विधायक और पायलट गुट के नेता हेमाराम चौधरी भी पहले ही चुनाव नहीं लड़ने की बात कर चुके हैं। वहीं कोटा सांगोद से विधायक और गहलोत खेमे के मंत्री प्रमोद जैन भाया से नाराज रहने वाले भरत सिंह कुंदनपुर ने भी आगामी चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उदयपुर चिंतन शिविर में तय हुआ फार्मूला लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यानी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से ही लागू होगा। इसके तहत 50% टिकट 50 के नीचे वालों को मिलेगा। नए फार्मूले के मुताबिक दो बार जीत चुके विधायकों के इस बार टिकट कट सकते हैं। जिनका टिकट कटेगा उन्हें सरकार रिपीट होने पर बोर्ड आयोग में जगह दी जाएगी। टिकट तो दिल्ली से ही तय होंगे, लेकिन किसे टिकट दिए जाने हैं इसकी रिपोर्ट राजस्थान से जाएगी। जिन विधायकों से जनता नाराज है उनकी आगे टिकट तय करने को लेकर भी पार्टी मंथन करेगी। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के इस नए फार्मूले को लेकर पायलट के दांव के बाद मिस्टर जादूगर क्या करेंगे।